दोस्तों आज की वीडियो में आपको हजरत सैलानी बाबा की बाग जाली की जियारत कराने वाले, दीदार कराने वाले। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हजरत सैलानी बाबा दरगाह शरीफ में अभी उर्स स्टार्ट और उर्स के टाइम में किस प्रकार का माहौल है, पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे बाग जाली का। और दोस्तों बाग जाली के बारे में बताया जाता है कि उस जाल के अंदर से अगर कोई भी निकलता तो किसी के शरीर के अंदर अगर रूहानी ताकत, भूत प्रेत, अगर शैतान अगर मौजूद रहता तो उसको वहाँ पर हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर फिर उसके मतलब पैर वहीं पर बाग जाली के अंदर जाम हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर नींबू वगैरह काटा जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है। दोस्तों बाग जाली की क्या सच्चाई है, यहाँ के जो खादिम साहब है, जो यहाँ के जावर साहब, हम उनसे बात करके यहाँ की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बाग जाली का नज़ारा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हजरत सैलानी बाबा की दरगाह शरीफ में उर्स स्टार्ट है और उर्स के टाइम में बाग जाली का किस प्रकार का नज़ारा आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि जिस किसी के शरीर के अंदर मतलब ऊपरी बला, काला जादू, ऐसी कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे बाग जाली से निकलते हैं, और अगर शरीर के अंदर ऐसी चीज़ होती है तो वहीं वो जाम हो जाता है और फिर उसके ऊपर नींबू काटा जाता है, फिर वो आगे बढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पे लोगों का कहना है। लेकिन हम यहाँ के क्या सच्चाई है, यहाँ के जो खादिम साहब हैं, हम उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों उर्स के टाइम का आपको पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना। चलिए बैक कैमरा चलते हैं और भी आगे की जानकारी जो यहाँ के मुजावर है, जो यहाँ के खादिम है, उनसे हम लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है। ये उर्स के टाइम का अभी मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो कि सैलानी गांव के अंदर पूरे में उर्स लगा हुआ है। और अभी मैं बाघ जाली में मौजूद हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि शेर की जाल है, मतलब जो बाघ है उसकी यहाँ पे बाघ जाली मौजूद है। तो अभी आपको दिखाते जो सैलानी बाबा का बाघ जाली है किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा। और दोस्तों बाघ जाली के अंदर से यहाँ पर कई लोग निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अभी पास में जाएंगे और पास से भी आपको बाघ जाली का हम नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों बाघ जाली के आसपास आपको काले कलर के गुड़िया, काले कलर के पुतले, कई सारे नींबू वगैरह ठुके हुए नजर आएंगे। पर दोस्तों इन नींबू और काले कलर के गुड़िया के पीछे का क्या रहस्य है, वो भी हम जो यहाँ के मुजावर है, जो यहाँ पे खिदमत करते, जो यहाँ के खादिम लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लोगों को कैसे हाजिरी का मालूम चलता है कि किसी के शरीर के अंदर रूहानी या भूत प्रेत या शैतानी ताकत मौजूद है, तो उसको यहाँ पे कैसे मालूम चलता, पूरी जानकारी, जितने भी आपके डाउट है पूरे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं पूरी जानकारी हम यहाँ के जो खादिम लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, पूरे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक के पीछे एक लाइन लगा करके सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब इस बाघ जाली के अंदर से निकलने वाले हैं, निकलने की सभी की इच्छा। तो आप देखें यहाँ पे ये पूरे मतलब जो झाड़ वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, बाघ जाली बताई जाती है। और दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पे जो सैलानी बाबा जब यहाँ पे मौजूद थे तो यहाँ पे जब अल्लाह की इबादत किया करते थे तो यहाँ पे आस पास जितने भी शेर वगैरह हुआ करते थे वो इस जाल के अंदर से सैलानी बाबा के पास भी आया करते थे। दोस्तों सैलानी बाबा का जो ये सैलानी गांव है, ये पूरा एक रहस्यमय गांव है। और दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप कैसे आओगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सैलानी गांव के अंदर। तो दोस्तों आप कहीं से भी हो, आपको महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में आना है। बुलढाणा जिले के अंदर मौजूद है सैलानी गांव और सैलानी गांव के अंदर ही मौजूद है सैलानी दरगाह शरीफ। तो दोस्तों आप यहां पे आसानी से आ सकते हो। आप यहां देखिए किस तरीके से यहां पे लाइन लगा रखी है और ये पूरी बाघ जाली है। बाघ जाली के ऊपर आपको कई सारे नींबू वगैरह, काले कलर की गुड़िया यहाँ पर मौजूद है। तो अभी आपको दिखाते हो, सामने आप देख सकते हो ये इबादत का है, जो कि हजरत सैलानी बाबा की बाघ जाली के पास ही है। ये बाघ जाली यहाँ पे बनी हुई है, इसके अंदर से ही शेर आया करते थे। अभी आपको आगे से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बाघ जाली के अंदर से निकला जाता है। तो दोस्तों ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हो, ये अभी सैलानी गाँव के अंदर का जो बाघ जाली का नज़ारा है वो मैं अभी आपको पूरा लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उर्स के टाइम में किस प्रकार का यहाँ का माहौल रहता है। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना। दोस्तों यहाँ देखिए ये पूरा मतलब जो पेड़ है, यहाँ पर झाड़ है, इसके ऊपर कई सारे नींबू, कई सारे धागे, चूड़ी और काले कलर के पुतले यहाँ पे ठुके हुए। अभी मैं आपको इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें पूरा लाइव नज़ारा दिखाऊंगा अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पे पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, अभी पब्लिक का थोड़ा बहुत मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। और इसके बाद में आपको बाघ जाली के अंदर से जाते हुए भी, मतलब हम खुद बाघ जाली के अंदर से जाएंगे, वो वीडियो में मैं जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। पहले आपको मैं यहाँ का पूरा आज का जो उर्स के टाइम का नज़ारा वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये शेर वगैरह है, यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। तो आप यहाँ देखिए जो बाघ जाली है, जो शेर की जाल है, जो बाघ जाली के नाम से काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पे बाघ जाली मतलब शेर की यहाँ पे मूर्ति भी यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ देखिए किस प्रकार से ये पूरा नज़ारा, हर जगह आपको मन्नत और मुरादों के यहाँ पे धागे भी। भाई साहब आपका नाम क्या है? चंद्रमणि राम शुभम तिवारी। तिवारी साहब आप ये कितने दिन से खिदमत कर रहे हैं? 11 साल से। 11 साल से आपको डर नहीं लगता है? नहीं।
कोई भूत प्रेत गंदी आत्मा आपके ऊपर हमला तो नहीं करती है? कोई डर नहीं, बाबा है अपने बाग जल में, बाबा बैठे हुए अपने। मतलब बाबा के होते हुए वो आत्मा भी भाग जाती है? सब भाग जाता है, बाबा बैठने के बाद सब भाग जाता है। अच्छा, ये अभी उर्स का क्या माहौल चल रहा है? संदल का माहौल चालू है अभी। अच्छा, कितने जायरीन आए होंगे? होली गई, अब संदल लगेगा 12 तारीख को बाबा का। जायरीन कितने आए होंगे? बहुत लोग आए। अच्छा, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं और ज्यादा लोग आए और बाबा के दर्शन करके चले जाए। अच्छे से खुशहाली के साथ जाए ना? हो, मतलब जो भी उनकी भला बीमारी है सब दूर हो जाए। दूर हो जाए। आपका नाम बताइए। मोहम्मद शाहरुख मुजावर। हाँ शाहरुख भाई, आप यहाँ पर कौन सी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? हम यहाँ पर इस दरबार के खादिम हैं। ये कौन सा दरबार है? ये इसे बागजाली वाले के नाम से मशहूर किए है। तो बागजाली क्यों कहा जाता है? यहाँ पर सैलानी बाबा जिस वक्त हयात थे वो यहाँ पर इबादत किया करते थे और उनके आसपास बाघ शेर वगैरह फिरा करते थे और इस झाड़ी में रहा करते थे, इसीलिए इसे बागजाली कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जब शेर बाबा के पास आकर बैठा करते थे उस टाइम से इसका नाम बागजाली पड़ा हुआ है। जी, तो अभी जो जायरीन है इन रास्तों से जो लाइन लगा कर हम देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये इसके अंदर से क्यों गुजर रहे हैं? ये इन लोगों की, मतलब सभी जायरीन की ऐसी मान्यता है कि इस जाली में से निकलने से उनके ऊपर जो जादू टोना बला वगैरह हुई है उसमें शिफा होती है। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई डिमांड तो नहीं करता है कि भाई इतना हदिया लगेगा या इतना कुछ? आप अपने आंखों से देख रहे हो, हम किसी से हदिया वगैरह का डिमांड नहीं करते, अपनी खुशी से अगर कोई उस पेटी में डाले तो कोई अलग बात। तो यहाँ पर इलाज कौन करता है? यहाँ पर इलाज कोई नहीं करता है, इलाज तो डायरेक्टली होता है। यहाँ पर कोई ऐसा बाबा वगैरह कोई नहीं है। ये जो बाहर के आकर यहाँ पर अपने आप को बाबा बना बताते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं, ये अलग बात है। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए ना जो उल्लू बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के मुजावर हैं, उन्हीं से कांटेक्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ के लोग पैसे नहीं मांगते। हम लोग किसी से पैसे नहीं मांगते, हमको किसी से पैसे चाहिए भी नहीं। ये जो बाहर के लोग आते हैं वो अपने आप को यहाँ का खादिम बताते हैं, कोई अपने आप को कहता है कि मेरे आंग में सैलानी बाबा आते, कोई कहता है कि गौस पाक आते, ये सब ड्रामेबाजी। आज उर्स का कितवा दिन है? आज उर्स का चौथा दिन है। तो चौथे चार दिन में यहाँ पर कैसा माहौल रहा है? चौथे पहले दो दिन तो यहाँ पर पानी का माहौल था, जायरीन की बहुत ही तकलीफ हुई, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। पानी बागजाली में भी भर गया होगा? हाँ, अब सब सूखा है। अभी सब सूखा है। तो और क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोगों को यहाँ से शिफा मिली होगी? कहाँ कहाँ से लोग आते पूरे हिंदुस्तान से? यहाँ से शिफा मिलने का मतलब हम तो नहीं जानते, लेकिन बहुत लोगों को मिली, करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अपने एतबार से देख कर अपना इलाज करा कर जाते। किसी के बदन में कोई गंदी ताकत है वो कैसे पता चलता है, मतलब उनके ऊपर क्या? वो अपना अपना मसला है, किसी को तकलीफ में पता चलता है, किसी को हाजिरी वगैरह होती है। जैसे कि हमने सुना कि बागजाली में गुजरने के टाइम पर उसके पैर वहीं पे जकड़ जाते हैं, फिर लिंबू काटा जाता है तो फिर उसके कदम आगे बढ़ते हैं। होता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही पता चलेगा। मतलब सैलानी में कहीं पे भी जीरा पे या कहीं पे जीरे के पानी से नहाने से भी वहाँ पर भी पता चलता है? वो अपना अपना किस्मत की बात है। आप जो यहाँ पर कभी भी जायरीन नहीं आए हैं, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या हिंदुस्तान के कोने कोने से, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ पर क्यों आना चाहिए? यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनके ऊपर किसी जादू वगैरह का या किसी गंदे जिन का साया है, और इस बारे में हमारी मान्यता यह है, मेरी खुद की, कि यहाँ पर सैलानी बाबा जो मदफून है उनके जो खादिम है, खादिम मतलब हम लोग नहीं, जो पाक जिन लोग खादिम है, वो यहाँ पर आने के बाद में आपके ऊपर के जो गंदे जिन है उनसे निपट लेते, मतलब उनका खात्मा हो जाता है यहाँ पर। गंदी जो रूह है या कोई भी ताकत है उनको यहीं पे रह जाती है। और ये जगह जगह ये पेड़ों पर हम देख रहे हैं यहाँ पे गुड़िया लगी हुई है और बाहर जाली पर भी गुड़िया बंधी हुई है, उसका क्या मामला है? ये सब अंधविश्वास है, ये सब फेक है।
इसी का इसका किसी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, फिर भी लोग करते हैं, वो किसी दूसरों के बहकावे में आकर करते, इसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। शिफा देना, असल में तो शिफा देना अल्लाह के हाथ में है। लोग यहाँ पर आते हैं इस वली की बरकत से यहाँ पर काम हो जाता है, लेकिन ये सब करना ये गलत है। अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने से उसको यहाँ पर सरकारी सैलानी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में या बाग जाली में या यहाँ के जो भी है दरगाह वहाँ पर आना हो तो कैसे आ सकता है? मिसाल के तौर पे अजमेर से आ रहा है या कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहा है, अजमेर से या दिल्ली से आना है तो उनको भुसावल आना होगा, वहाँ से बुलढाणा बस से और फिर यहाँ पर। और तेलंगाना साइड से? तेलंगाना साइड हैदराबाद से उनको जालना तक के ट्रेन है, उसके बाद में बस का सफर। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख मुजावर।